हेलो स्टूडेंट्स, जो संधि का टॉपिक था उसमें आज है फोन नंबर पे यण स्वर संधि। स्वर संधि में यण संधि, इसकी डेफिनेशन है ह्रस्व या दीर्घ। ई उ री है तो री के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, जिसमें ई ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, उ ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, री ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं। तो उनके पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह हो जाता है। इनके साथ जो स्वर मिलते हैं उनकी मात्रा यह व रह में लग जाएगी। जो भी स्वर मिल रहे हैं और उनके जो मात्रा लगी हुई है वह जिसमें परिवर्तित हो रहे हैं उनके यानी कि यह व में लग जाएगी। जैसे एग्जांपल है प्रत्येक, जिसका संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, जिसमें प्र त और ई और ए और कैसे मिल करके बना है। तो प्र रहेगा ऐसे ही, त है और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा यह और एक। तो इसका संधि विच्छेद जो हुआ वह तो है प्रतिधन एक और हो गया ये प्रत्येक, प्रत्येक शब्द बन गया। जिसे स्वागत है, जिसका संधि विच्छेद होता है सुधन आगत। यह जिन जिन वर्णों से बना है वह है श उ आगत। तो श रहेगा, उ वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, उ वह में वह और आगत और आग की मात्रा वह के लग जाएगी तो हो जाएगा स्वागत। जैसे ई या ई के स्थान पर यानी ह्रस्व स्वर ई, दीर्घ स्वर ई के स्थान पर यह के उदाहरण, जिसमें आज ह्रस्व स्वर ई के उदाहरण है अभी धन आश अभ्यास, यदि धन अपि यद्यपि, पता है ई यह में परिवर्तित हो रहा है, नी धन आय न्याय, परिधन आवरण पर्यावरण। ओके स्टूडेंट्स।